विनम्र अभिवादन शिक्षक गण मित्र परिवार, विद्यार्थी गण मित्र परिवार, यह कविता पेश करते हुए बेहद खुशी हो रही है। आदरणीय गीतकार गुलजार जी, जो प्रसिद्ध हिंदी फिल्मों के गीतकार है, नामचीन व्यक्ति है, सम्माननीय व्यक्ति है, उनकी ये कविता पेश करते हुए खुशी हो रही है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उसमें उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। तो गुलजार जी के इस काव्यधारा को मैं पेश करने जा रहा हूँ। खुशी है, विश्वास है, आपको आनंद ही मिलेगा। आप सभी को स्वर मंगल शुभकामना और बहुत बहुत धन्यवाद। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरे वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरे अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी, जो रिश्ते वो सुनाती थी, जो रिश्ते वो सुनाती थी, जो रिश्ते वो सुनाती थी। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। वो सारे उधड़े उधड़े हैं, वो सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं, वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, नहीं उगते। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। जुबां पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, जुबां पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है, बहुत कुछ तय बतय खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जो जाती राबता था कट गया है। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। अ
कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपनी रिहल की सूरत बना कर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, और महके हुए रुके किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, वो शायद अब नहीं होंगे, 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 वो शायद अब नहीं होंगे।